मरूफ टिकटॉकर हरीम शाह का वीडियो लीक से मतलब नया बयान सामने आ गया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे कि हरीम शाह की जो वीडियो लीक हुई, इस पर हरीम शाह ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा। हाल ही में पाकिस्तान के मरूफ टिकटॉकर हरीम शाह से एक इंटरव्यू के दौरान सहाफ़ी ने पर्दे से मतलब सवाल किया तो टिकटॉकर इन पर बरस पड़ी। इन्होंने कहा कि पर्दे का बहुत ख्याल रखा जाता है, मैं कहाँ पर नंगी होकर फिर ही हूँ, कहाँ पर बेलबास हुई हूँ, सर पर दुपट्टा करना या ना करना वो मेरा अपना फेल है। तो हरीम शाह ने कहा कि ये मेरी मर्ज़ी है कि मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा कि मैं सर पर दुपट्टा लेती हूँ या नहीं, लेकिन मर्दों को भी कहूँगी कि आपको भी निगाह को निजी रखने का हुक्म दिया गया है। मर्द की आंख में भी हया होनी चाहिए और बेहयाई मर्द करे या औरत, मेरे ख्याल में दोनों बराबर हैं। इन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में कोई मर्द बेहया है तो इसको भी बेहया कहा जाए। हरीम शाह का कहना था जहाँ पर कोई औरत गुनाह करती है तो उससे कोई गलती हो जाती है तो उसके बहुत चर्चे होते हैं, इसको एक्सपोज किया जाता है, लेकिन अगर कोई मर्द करता है तो इसे बहादुर करा दिया जाता है कि ये मर्द का बच्चा है। तो हरीम शाह का मजीद कहना था कि ऐसे मर्दों को भी नंगा किया जाए, कोड़े लगाए जाए, मर्द औरतों से ज़्यादा गुनाहों में मुलव्वस हैं। हरीम शाह का मजीद कहना था कि औरत को तो हाफिज़ नहीं है और ये इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है। तो इनकी एक वीडियो वायरल हुई जिस पर सार्फीन काफ़ी ज़्यादा बरहम हुए और इनको तनकीद का निशाना बनाया। औरत टैक्सी में कहीं जा नहीं सकती और अगर एक औरत अपने बच्चों के साथ कहीं निकल नहीं सकती, अगर आप औरत की हया की बात करते हैं तो मर्द की हया कहाँ चली गई है, मर्द क्यों ऐसा कर रहे हैं। हरीम शाह ने कहा कि जो बड़े केसेस आ रहे हैं इनमें मर्द मुलव्वस हैं, जो मोटर वे पर हुआ वो भी मर्दों ने किया, वो किसी औरत ने तो नहीं किया, तो फिर औरत को ही क्यों सजा दी जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, आप तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने की बात।